Assalamualaikum. So students, we are back with another lecture of accounting and that is lecture number 2 of accounting. देखें पहले वाले lecture में business organizations की type से लेकर उनकी basis of ownership, basis of business की classification से लेकर generally accepted accounting principles तक हम लोगों ने अच्छा खासा एक background accounting का ले लिया था in the previous lecture, ठीक है? But now it is very important to introduce the basic financial element of account, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन बेसिकली ये रेज हो सकता है कि देखिए अब तक प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ ली, अब अकाउंटिंग की कैसे जाती है, ठीक है? वो कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड एनालाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था अकाउंटिंग, तो देखें रिकॉर्ड, क्लासिफाई, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, ये सब जब भी हो सकता है कि जब हमें बेसिक एलिमेंट का आइडिया हो, सही? तो दीज आर द बेसिक फाइव बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स. दीज आर नंबर वन एसेट्स, नंबर टू एक्सपेंसेस, नंबर थ्री लायबिलिटीज, नंबर फोर रेवेन्यू एंड नंबर फाइव ऑनर्स इक्विटी, ठीक है? देखें अकाउंट्स इन पांचों हेड्स ऑफ अकाउंट्स के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, ठीक है? इनको हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, ठीक है? एलिमेंट्स, फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है? बेसिकली इनसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इनकी बेसिस पे हम अकाउंट्स को पूरा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. चाहे आप कोई सी भी लेवल की अकाउंटिंग पढ़ लें, फिर अभी तो चलिए फाइनेंशियल है, फिर आपके पास मैनेजेरियल, कॉस्ट, एडवांस, जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो सब इन्हीं फाइव हेड्स ऑफ अकाउंट्स के इर्द गिर्द ही घूमती है, ठीक है? तो तभी ये दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, तभी ये पढ़ाए जाते हैं, सही? तो नंबर वन इज एसेट्स. देखें हम इस टर्म से कहीं ना कहीं वाकिफ होते ही हैं, ठीक है? जैसे हम उर्दू में वर्ड बोलते हैं, भाई हमारे इतने पैसे लग गए हैं बिजनेस में, या हमारा इतना असासा है कहीं, हमारी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, सही? तो पॉइंट इज हम कहीं ना कहीं इस टर्म से वाकिफ होते हैं. बस बिजनेस अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ. देखें एसेट्स क्या होते हैं. Assets are the economical resources of an organization, say, which are owned by the organization and are expected to benefit current and future operations of the business. ठीक है? देखें यहाँ पे एक बहुत emphasize एक word है, and these are economical resources of an organization. ठीक है? देखें organization किसी भी चीज को as a resource जब own करती है, ठीक है? तो उसको हम asset बोलते हैं, ठीक है? और इसकी बहुत ही simple definition भी यहाँ मैंने दी हुई है. All things which are cash or convertible into cash are called assets. ठीक है? देखें business जब चलता है, इसकी example मैं ऐसे देता हूँ, हम कोई भी business establish करते हैं, let suppose हम कोई छोटा किराने का स्टोर लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें या तो कोई दुकान रात को रेंट पे लेनी पड़ेगी या तो खरीदनी पड़ेगी, ठीक है? यानी कि एक पूरा रूम चाहिए, एक पूरी शॉप चाहिए, उसमें हमें फिर फर्नीचर एंड पिक्चर्स लगाने हैं ताकि हम अपना सामान उसमें रख सकें, ठीक है? फिर हमें जितनी उसमें चीजें लाके बेचनी है वो लाके डालना है. पॉइंट इज कि बिजनेस ऐसे ही नहीं चल रहा होता. बिजनेस में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की होती है ऑब्वियसली, और फिर हमें वहां पे सपोर्टिंग कुछ इस तरह की इकोनॉमिकल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं लाजमी, जिनसे हम बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं, ठीक है? ये वही बात है कि जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में, फॉर एग्जांपल, आप लोग के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट एग्जांपल ये होगी कि सॉफ्टवेयर हाउस है, वहां जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर हाउस के नाम पे जो इमेजिनेशन आती है वो ये आती है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ टेबल्स, टेबल्स होंगी, उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे हाई स्टैंडर्ड के और बहुत ही कन्फिग्योर्ड और बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स या पीसीज रखे हुए होंगे, ठीक है? तो दीज आर द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज दैट आर यूटिलाइज्ड बाय एनी सॉफ्टवेयर हाउस टू जनरेट द रेवेन्यू, ठीक है? कि जब हम फर्दर क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तब हमें एसेट का कॉन्सेप्ट ज्यादा सही से समझ आएगा. इन शॉर्ट एसेट्स को हम बोलते हैं कि भाई बिजनेस के जितने भी असासा जात है, जिसको हम एक पूरी सलीस उर्दू में अगर हम बोलें तो असासे जो हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एसेट्स, ठीक है? देखें एसेट्स की हम कैटेगराइज कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं एसेट्स को. नंबर वन इज करंट एसेट्स, नंबर टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले करंट एसेट्स क्या होते हैं. देखें एसेट्स को दो फॉर्म्स में डिवाइड करने का मोटिव यहाँ पे ये है कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग बेहतर हो सके, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मेंशन है करंट एसेट्स, इसको हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ क्या है. ऑल एसेट्स व्हिच बेनिफिट्स आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड और ईयर एंड अप्स एंड डाउन्स अकर इन देम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड and that can be converted into cash within an accounting period are called current assets, ठीक है? यानी कि ऐसे तमाम assets जो कि एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, उनको हम बोल सकते हैं current assets, ठीक है? इसकी आपको एग्जांपल से और क्लियर समझ में आएगा कि करंट एसेट्स हो कौन कौन सकते हैं, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स जैसे मैंने दी हुई है. नंबर वन कैश इन हैंड,
ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, बिजनेस में कैश इन हैंड को और भी बहुत ज्यादा और भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ हम सिनोनिमस रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आएगा, कैश इन हैंड का मकसद सिर्फ करंसी नहीं है, बल्कि कैश इन हैंड मीन्स कॉइन्स, चेक्स, मनी ऑर्डर्स एंड एनी अदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच हैज अ पावर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये समझने के गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो जैसे प्राइस बॉन्ड होते हैं, वो भी आप लोग को मालूम होगा कि आप कहीं भी जाएं बैंक्स में या कहीं भी, तो वो एज अ मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कैश इन हैंड एक ऐसा एसेट होता है जो विद इन अ ईयर मोर और लेस, देखें ये डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस के, बिजनेस के अंदर कैश फ्लो कितना है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, ठीक है। लेकिन इट इज अज्यूम्ड कि देखें कैश एक ऐसी चीज है जो आप बहुत सालों तक मेंटेन नहीं रख सकते, ठीक है। आज बिजनेस के पास 1 लाख रुपए होंगे, कल नहीं होंगे, ठीक है, परसों 2 लाख होंगे, उसके बाद वाले दिन नहीं होंगे, ठीक है। तो पॉइंट इज कि कैश की जो हम साइकिल बनाते हैं ना, वो हमेशा एक ईयर को जहन में रखते हुए बनाते हैं फॉर ऑल बिजनेस, ठीक है। इट इज वेरी अंडरस्टूड। हम ये नहीं कह सकते भाई वो कैश 10 साल तक पड़ा रहा, 5 साल तक पड़ा रहा, नहीं, क्योंकि बिजनेस के ऑपरेशन ट्रूली डिपेंड कर रहे होते हैं कैश पे, कैश का आना जाना, इनफ्लो आउटफ्लो लगा रहता है, ठीक है। सो दैट इज वाई हम एसेट्स को जो है, स्पेशली कैश की अगर हम बात करें, कैश इन हैंड, तो उसको हम यहाँ पे इसीलिए हम करंट एसेट्स में लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा असासा है जिसकी लाइफ मोर और लेस 1 साल से ज्यादा होती भी नहीं है, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर क्या, वो तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे, जैसे कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड ही कंज्यूम हो जाए। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड का मकसद है या तो 1 दिन, 2 दिन, विद इन ईयर, जितने भी आउट ऑफ 365 डेज कभी भी कैश यूटिलाइज हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज वाई वी आर सेइंग दिस एज कैश इन हैंड एज अ करंट एसेट, ठीक है। सेकेंडली कैश एट बैंक, ऑर्गेनाइजेशन कैश विच हैज बीन डिपॉजिटेड इन टू द बैंक, देखिए वही बात है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ तो अपने जो, जिसको हम बोलते हैं ना लेमेन टर्म्स में कि भाई जो गल्ला होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम गुल्लक बोल रहे होते हैं, भाई दराज है उसमें खोल के जो है वो सेठ साहब पैसे डाल देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कैश इन हैंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर पास है, ठीक है। फिर होता है कैश एट बैंक, वही बात कि अगर कोई आपका बहुत बड़ा सप्लायर है, आपको उसको पेमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली आप कैश में नहीं करेंगे, फिर आप बैंक के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का भले ही कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, उसको हम करंट एसेट्स में इसीलिए क्लासिफाई करते हैं क्योंकि बैंक से भी आप फर्दर जो है पेमेंट रिसीट जो है, आप रिसीट एंड पेमेंट आप बैंक के थ्रू भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, सही है। बट इज वेरी अंडरस्टूड कि बैंक में भी जो पैसा होता है वो मेंटेन नहीं रहता। जब भी आपने देखा होगा कि आजकल बैंक के बड़े जो है वो एड आ रहे होते हैं करंट अकाउंट के रोशन करंट अकाउंट एंड और भी SBL और अपनी सोनारी बैंक और सारे जो प्राइवेट बैंक से आपको नजर आएंगे कि वो करंट अकाउंट जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं ना, जिसमें वो ऑफर कर रहे होते हैं फ्री चेकबुक, फ्री डिमांड डिपॉजिट एंड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो पॉइंट क्या होता है, वो बिजनेसमैन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जो बड़े बिजनेसमैन है उनका जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और बैंक को तो पैसा वैसे भी चाहिए होता है, सही है। तो करंट अकाउंट को इसलिए फोकस कर रहे होते हैं बैंक, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो मेंटेन रखना होता है उनको, सही है। और बिजनेसेस भी इटसेल्फ दे प्रेफर टू पे फ्रॉम बैंक, ठीक है, कि अगर उनके पास एक रिकॉर्ड रहता है उनकी बैंक, जब बैंक स्टेटमेंट आती है। सो ये एक अलग डिटेल है, लेकिन यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि इसको हम करंट एसेट्स में क्यों लिख रहे हैं। अगेन, कैश की लाइफ इतनी ज्यादा कंसिडर नहीं की जाती, आज आता है कल जा सकता है, कल आएगा परसों जा सकता है, ठीक है। अब वो चाहे इन हैंड हो या एट बैंक हो, सही। अच्छा फिर हम आ जाते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ करंट एसेट इज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ठीक है। इसको इसको मर्चेंडाइज का मतलब क्या है अकाउंटिंग में, ये भी आप जान लीजिए। गुड्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन बाइज फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग टू द कस्टमर्स, ठीक है। देखिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोले हम, मर्चेंडाइज बोले, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनसे आपको फेमिलराइज अब हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए करंट एसेट में हम मर्चेंडाइज को इसलिए कैटेगराइज कर रहे हैं, अगेन वही बात, इसकी मैं एग्जाम्पल अगेन उसी एग्जाम्पल से दूंगा। करियाना स्टोर, वो जो ओनर है वो चावल लाता है, आटा लाता है, और भी जो है सोप, लोशन एंड शैम्पूज वगैरह लाता है। आप अज्यूम ये कर सकते हैं कि क्या वो उसके पास 1 साल से ज्यादा वो चीज पड़ी रह सकती है। इट इज टोटली यानी कि मोर और लेस इम्पॉसिबल कि कोई भी आइटम ऐसा होगा जो वो लाए और बिके ना, ठीक है। यानी कि उनका जो साइकिल है वो बहुत तेज होती है। आज ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कोई चीज बेचने के लिए अभी लाएं और वो अगले दिन बिक जाए, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि चावल जो है साला साल, किसी चावल के कारोबार करने वाले के पास साला साल पड़े रहे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का पहली बात तो अकाउंट्स में मतलब ये है, तो तमाम गुड्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन खरीदती है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट टू द कस्टमर्स, ठीक है। एग्जाम्पल बीइंग मेट्रो, मेट्रो में जितनी भी इन्वेंट्री है, चाहे वो
कंज्यूमर गुड्स की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, बाइक्स हो, और भी फूड से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड, वो सब मेट्रो के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहलाएगा, ठीक है। रीजन बींग क्योंकि उन्होंने खरीदा इसलिए है ताकि वो अपने फाइनल कस्टमर्स को उसको सेल आउट कर सके, सही है। तो मेट्रो की एग्जाम्पल में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री उसकी तमाम वो ग्रोसरीज हो गई जो हम वहां से खरीदने जाते हैं, सही है। सिमिलरली मेडिकल स्टोर्स, तो मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो हम दवाइयां खरीदने जाते हैं ऑब्वियसली, तो मेडिकल स्टोर वाले के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या हुई, उसकी मेडिसिन, सही है। तो ये और इसी सिमिलरली सिमिलरली जब हम गारमेंट स्टोर पे जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो जो कपड़ा हमें इंसान बेच रहा होता है, जो ट्रेडर हमें कपड़ा बेच रहा होता है, तो उसकी दुकान में जितने भी कपड़े रखे होंगे, चाहे मेल फीमेल किसी भी जो है स्पेसिफिक जेंडर के कपड़े हों, पॉइंट ये है कि उसके लिए वो कपड़े मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होंगे। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज खरीदी ही इसलिए है ताकि वो हमें एट अ प्रॉफिट सेल कर सके, सही है। और उसकी भी लाइफ क्यों 1 साल से हम यहाँ कैटेगराइज कर रहे हैं 1 साल से कम होगी, ऑब्वियसली साइकिल तेज होती है ऐसी चीजों की, आती है बिक जाती है, आती है बिक जाती है, सो 1 साल से ज्यादा इट इज अज्यूम कि भाई उसकी लाइफ हो भी नहीं सकती, तो दैट इज वाई वी आर कैटेगराइजिंग इट एज करंट असेट्स, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज अकाउंट्स रिसीवेबल। देखें अकाउंट रिसीवेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप फर्दर अब इंशाल्लाह जब हम अकाउंट पढ़ेंगे तो ये सारी टर्म्स आपके पास रिपीटेडली आती रहेंगी, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए अकाउंट रिसीवेबल को हम पहले पढ़ते हैं, अमाउंट्स व्हिच अ कंपनी एक्सपेक्ट टू कलेक्ट फ्रॉम इट्स कस्टमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू देम ऑन क्रेडिट। देखें कहीं ना कहीं हम इन अकाउंट के टर्म से फेमिलराइज होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है। ये वही बात है कि आपका कोई भी बिजनेस है एक्स वाई जेड, ठीक है, आपने किसी बंदे को जो है काम करके दे दिया, उस बंदे ने कहा कि भाई मैं आपको जो है बाद में पैसे दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि आपने उस बंदे का काम कर दिया, ठीक है, आपके पास अभी तक पैसे नहीं आए हैं, सही है। तो पैसे नहीं आए का मकसद यह है कि अब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अब आपने काम फ्यूचर पे करना है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आपको पैसा लेना बाकी है। सो इट विल बी कॉल्ड योर एसेट, जैसे मैंने पहले कहा कि एसेट का मकसद होता है हमारा असासा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको रिलेट ऐसे करें कि एसेट्स होता है हमारा असासा, करंट एसेट मैंने बताया कि वो एसेट होते हैं जो विद इन ईयर जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं, सही है। अकाउंट रिसीवेबल को अब इस तरह रेलिवेंट इसको हम बनाते हैं कि देखें जैसे मैंने यहाँ बताया कि अ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कलेक्ट फ्रॉम इट्स कस्टमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू देम ऑन क्रेडिट, ठीक है। आपने किसी का काम कर दिया, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, अब उस बंदे ने आपको पैसे अभी नहीं दिए, ठीक है। इट इज अज्यूम्ड कि भाई वो या तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो इससे ज्यादा नहीं लगाएगा आपको पैसे वापस करने में। देखिए अकाउंट रिसीवेबल को हम बेसिकली जबानी कलामी जो हम कहते हैं ना उधार खरीदो फरोख, अकाउंट रिसीवेबल वो होती है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे कि भाई आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, वो जो है वो शूज का कारोबार करता है, आप उसके पास गए, आपने कहा भाई मुझे जो है ना 2 पेयर्स जो है वो चूज के दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, वो बोलेगा अच्छा चलो ठीक है बाद में दे देना। में क्या हुआ, देर इज नो रिटन एग्रीमेंट, नो टर्म्स एंड कंडीशंस, आप गए शूज बाय किए विदाउट पेइंग द मनी, और आपके दोस्त में और आप में अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ चलो अच्छा है मैं 2-3 दिन बाद दे दूंगा, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, कोई साइन वाइन कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशंस में जब आप उधार लेते हैं या देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो चीज अराइव होती है वो होती है अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल है, अब उस दोस्त की जगह आप खुद रख के अपने आप को रखें, आपने किसी को जूते सेल कर दिए हैं लेकिन अभी आपको उस बंदे ने पैसे नहीं दिए हैं, सही है। इट मींस कि अब आपको उस बंदे से पैसे वसूल करने हैं, भाई आपने तो चीज बेच दिया, आपके पास अभी आपके ही पैसे आना बाकी हैं, तो ये आपका असासा हुए। असासा कैसे हुआ, क्योंकि आपने उस बंदे को उसकी चीज दे दी है जो वो खरीदने आया था, उसने रिटर्न में आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है। पॉइंट इज उसने आपको रिटर्न में पैसे नहीं दिए, तो इट मींस कि आपका हक वसूल करना अभी आपको रहता है, so that will be called account receivable. लेकिन the condition for account receivable is very simple, जैसे मैंने पहले बताया, no written agreement. It truly oral होता है, oral agreement होता है between buyer and seller, आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसको हम असासा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट इज वेरी अंडरस्टूड कि आपने कोई चीज बेच दी है, कोई सर्विसेज दे दी हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बंदा उसके पैसे अगले साल पे करने आएगा, ठीक है। उसकी कोशिश जो भी अगर इंसान होगा उसकी कोशिश ये होगी कि भाई अगर मैंने उधार पे कोई चीज ले भी ली है तो मैं विदिन 2-3 डेज उसको मैक्सिमम 15 दिन 20 दिन महीना महीने से ज्यादा नहीं लगता किसी भी बंदे को उधार पे करने, ठीक है। सो दैट इज वाई वी आर कैटेगराइजिंग इट एज करंट एसेट। नाउ नोट रिसीवेबल, देखें ये कहीं ना कहीं अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड है, कैसे, देखिए यहाँ पे टर्म यूज हो रही है नोट्स रिसीवेबल, ठीक है। देखिए अकाउंट रिसीवेबल में और नोट्स रिसीवेबल में एक डिफरेंस है, वो ये है
ये आप पढ़े यहाँ पे, अ रिसीवेबल एविडेंस बाय अ फॉर्मल रिटन प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि फॉर्मल रिटन प्रॉमिस, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है एक्सपेक्ट टू कलेक्ट। ठीक है, यानी कि ट्रूली मैंने जैसे पहले कहा कि ओरल अग्रीमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर्मल रिटन प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है अकाउंट रिसीवेबल में और नोट रिसीवेबल में, कि यहाँ पे एक एयर वाली टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि एयर एयर मतलब एयर मीन्स एक टाइम पीरियड आ जाता है, रिटन फॉर्म में आ जाता है कि देखें मैं इस टाइम पे आपको इस डेट को ये अमाउंट पे कर दूंगा। ठीक है, अगर यही चीजें मैं लिख के दे दूँ तो इट विल बी कॉल्ड नोट रिसीवेबल। ठीक है, अगर मैं वही चीज बगैर लिखे और सिर्फ अपने जो है जबानी कलामी उस चीज को रखूँ तो इट विल बी कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। और सिमिलरली अगर कोई बंदा मुझसे उधार लेके जाता है लेकिन मैं उसको बोलता हूँ नहीं नहीं आप ये रसीद लेके जाओ और जो है जब आप पैसे पे करने आना तो ये रसीद लेते हुए आना, ताकि जो अमाउंट पे करना है वो मुझे भी याद रहे तुम्हें भी याद रहे। ठीक है, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम जब जबानी कलामी जब हम कोई अग्रीमेंट करते हैं तो हम अक्सर अमाउंट भूल जाते हैं या डेट भूल जाते हैं, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए नोट्स रिसीवेबल हमेशा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि देखें अकाउंटिंग के रिकॉर्ड जो है ना वो ज्यादा बेटर हो सकते हैं अगर आप किसी भी चीज को रिटन फॉर्म में रखे तो। सही है, तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि चीज जो है वो रिटन फॉर्म में हो। तो अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल का जो मेन डिफरेंस हो गया वो ये कि इट इज टोटली ओरल। ठीक है, नोट रिसीवेबल ऑन द अदर हैंड इज अ फॉर्मल रिटन प्रॉमिस। सही है, उसी अकाउंट रिसीवेबल को आप लिख के साइन करके दे दो तो इट विल बी कॉल्ड नोट रिसीवेबल। दोनों हमारा असासा होते हैं ऑब्वियसली, उस केस में बस ये था कि एक रिटन अग्रीमेंट नहीं था लेकिन एक ओरल अग्रीमेंट जरूर था कि अच्छा भाई तुम पैसे दे देना। ठीक है, यहाँ पे वही है नोट रिसीवेबल की फॉर्म में वो चीज लिखी भी फॉर्म में आ रही है, रिटन फॉर्म में आ रही है। सही है, दोनों सूरत हाल में आपने अपने पैसे वसूल करने हैं, तो आपके जब अपने पैसे हैं तो आपके असासा हुए ना, सो दैट इज वाई वी आर कैटेगराइजिंग इट एज एसेट। सही है, फिर आ जाते हैं एसेट की एक और टाइप है, दैट इज करंट एसेट की सप्लाईज। देखें सप्लाईज, देखें वही बात, ये वो टर्म्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं फेमिलियर लगेंगी लेकिन अकाउंट्स में इन चीजों का मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सप्लाईज है, इससे जहन में आपके जहन में एक पता नहीं क्या आया होगा, आई डोंट नो, लेकिन अकाउंट्स में यहाँ पे ये टर्म यूज होती है फॉर ऑफिस स्टेशनरी। ठीक है, जो भी ऑफिस में स्टेशनरी यूज होती है, जो मिसेलिनियस जो छोटे छोटे इक्विपमेंट यूज होते हैं या स्टेशनरी कैलकुलेटर्स वगैरह, दे आर कैटेगराइज्ड एज सप्लाईज। ठीक है, यानी कि मार्क, अगर फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें तो यूनिवर्सिटी में अगर अकाउंट की टर्म्स हम बात करें तो सप्लाईज क्या बन जाएंगी, हमारे पेन डस्टर्स मार्कर्स, ठीक है, और भी जितनी स्टेशनरी, अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड है तो चौक जो भी आती है जो हम बचपन में स्कूल में यूज किया करते थे। ठीक है, तो पॉइंट इज सप्लाईज क्या कहलाती है, ऑल द ऑफिस स्टेशनरी एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइज। अगेन जो भी इस तरह की स्टेशनरी होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बोर्ड मार्कर है, अब आप लोग को खुद भी मालूम है कि बोर्ड मार्कर की लाइफ ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता होती है, 2 हफ्ते होती है, बहुत कोई अच्छा हो गया तो भाई 1 महीना चल जाएगा, फिर भी उसमें इनकम में इनपुट करनी पड़ती है। पॉइंट इज क्या वो 1 साल से ज्यादा चलता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सही है, सो दैट इज वाई वी आर कैटेगराइजिंग इट एज अ करंट एसेट, क्योंकि जब भी इस तरह की सप्लाईज आती है इट इज अज्यूम्ड कि भाई ये तो विद इन मंथ्स विद इन वीक्स खत्म हो जाएंगी, ईयर्स तो फिर भी बहुत दूर की बात होगी। सही है, एंड द लास्ट थिंग इज प्री पेड एक्सपेंसेस और एडवांस्ड एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल सबसे अच्छी, देखें अगेन मैं फिर वही कहूंगा, हम कहीं ना कहीं इस टर्म से यूज टू हैं प्री पेड के नाम से। इसको मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी सिम कार्ड है। सही है, आप जाते हैं किसी भी टॉपअप शॉप पे, आप बोलते हैं कि भाई मुझे जो है बैलेंस जो है वो मेरी सिम में 200 रुपये का डाल दीजिए। ठीक है, अब आपने 200 रुपये का बैलेंस डलवा लिया, अब मुझे एक बार बताइए आपका आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि भाई 200 रुपए का बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। पॉइंट इज आपने पैसे पहले पे कर दिए हैं फॉर अ सर्विस। चाहिए, अब आपके पास वो मॉनिटरी टर्म्स में अवेलेबल है, अब वो आपकी मर्जी है कि आप उसको कब यूज करते हैं। ठीक है, वही बात है, बैलेंस जब आप डलवाते हैं तो एक तरीके से वो आपके लिए एक रिसोर्स हो जाता है कि भाई मेरे पास बैलेंस है, मैं जब चाहूँ मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आप इन एडवांस पे कर दो, सही है, तो इट विल बी कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस एक्सपेंसेस। सही, और वी आर कैटेगराइजिंग इट एज एन एसेट, एंड व्हाट काइंड ऑफ एसेट, अ करंट एसेट। ठीक है, वही बात अगेन, बैलेंस आप डलवाते हैं अपने मोबाइल में तो 1 साल तो पहली बात उसकी मुद्दत इतनी ज्यादा होती भी नहीं है, हम वैसे यूटिलाइज कर लेते हैं विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ। ठीक है, इसी और एक और एग्जांपल ये भी आप ले लेंगे, भाई फॉर एग्जांपल रेंट है, लेट सपोज किसी का रेंट ऑफ ऑफिस जो है वो रेंट पे है। सही है, अब 1 साल का रेंट देना था 1 लाख रुपए। सही है, विद इन अगर मंथ्स डिवाइड करें तो मोर और लेस 8,000-10,000 बनेगा। आपने सोचा भाई मेरे पास अभी 1 लाख रुपए हैं, मैं काम करता हूँ अगले पूरे साल का रेंट अभी से, जो हमारे ऑनर हैं जो भी लैंडलॉर्ड हैं उनको मैं अभी से 1 लाख रुपए पे कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या,
होगा ये कि आपने इन एडवांस जो भी एक्सपेंस अगले 12 महीने में आने वाला था, आपने इन एडवांस पे कर दिया, ठीक है? सो दैट विल बी कॉल्ड योर एसेट. व्हाई इट इज योर एसेट? क्योंकि भाई अभी आपने वो चीज यूटिलाइज नहीं करी है, यू आर पेइंग इन एडवांस, सही? अब लेट सपोज 6 महीने गुजरते हैं, सही है? अब 6 महीने गुजर गए, आपने 5 लाख रुपए का रेंट यूटिलाइज कर लिया. अब आपका जो लैंडलॉर्ड है, जो भी ओनर है आपकी प्लेस का, आपके ऑफिस का, वो अगर आपको आके बोलता है कि भाई मेरा ऑफिस खाली कर दो, ठीक है, तो नाउ यू कैन डिमांड कि भाई 5 लाख तो चले मैंने 6 महीने रह के यूटिलाइज कर लिए इन द ऑफिस, लेकिन अब तो अब आप मुझे खुद यहाँ से जाने का कह रहे हैं, तो लाइए मेरे 5 लाख रुपए जो मैंने और 6 महीने के आपको दिए हुए, ठीक है, तो उसको बाय लॉ वो वापस करने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि आपने एडवांस में पे किया हुआ था, ठीक है? देखें, यहाँ पे रिमेम्बर रखने वाली बात सिर्फ एक है कि कोई भी एक्सपेंस अगर आप इन एडवांस पे कर दें बिफोर इट्स अकरेंस, ठीक है, सो इट विल बी कॉल्ड योर एसेट, सही है? एसेट क्यों? क्योंकि जब आपने अभी यूटिलाइज ही नहीं किया, आप अभी से पे कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि भाई अभी आपका उस पर हक बाकी है, सही? इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले लें कि आपने कोई ट्यूटर हायर किया है, सही है, आपने उसको पैसे दे दिए पहले, सही? फॉर एग्जाम्पल 10,000 अ मंथ आपकी बात हुई थी. अब वो पहले दिन जैसे ही आया है, आपने 10,000 रुपए दे दिए उसको एडवांस ट्यूशन, आपने उसको पे कर दिया, आपका ट्यूशन एक्सपेंस वो जब काउंट होता जब पूरा 1 महीना गुजर जाता, लेकिन आपने तो अभी से पैसे पे कर दिए, ठीक है? तो इस पॉइंट इज, अब वो ट्यूशन जो आपको पढ़ाने आ रहा है ट्यूटर, अब वो पूरा 1 महीना आएगा तब जाके ये आपका जो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, अगर आपको ये बात समझ में आई तो. अगर वो नहीं आता तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि भाई मेरे पैसे वापस करो क्योंकि मैंने तुम्हें एडवांस में दिया हुआ है और तुम अभी 1 दिन भी नहीं आए हो, सही है? तो एनी प्रीपेड एक्सपेंस जो भी आपका होता है वो एसेट इसलिए कहलाता है क्योंकि अभी आपने गुड्स एंड सर्विसेज ली नहीं होती हैं और आप एडवांस में पे कर रहे होते हैं, सही है? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर एसेट. इसको हम जरा पढ़ भी लेते हैं. एडवांस पेमेंट फॉर सच एक्सपेंसेस एज रेंट, इंश्योरेंस और एनी अदर एक्सपेंस, द पोर्शन व्हिच हैज नॉट बीन यूज्ड अप एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कंसीडर्ड एज एन एसेट. लेकिन ये बात बहुत सिग्निफिकेंट है, द पोर्शन व्हिच हैज नॉट बीन यूज्ड अप एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज कंसीडर्ड एज एन एसेट. इसकी एग्जाम्पल वही बात, जैसे लेट सपोज अब दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ इंश्योरेंस की, ठीक है? आपने इंश्योरेंस प्रीमियम एक होता है, यानी कि इंश्योरेंस की मंथली और कुछ ईयरली, ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है, ईयरली और मंथली कुछ आप प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, इंश्योरेंस के कुछ चार्जेस आप पे कर रहे होते हैं, ठीक है? अब आपने सोचा भाई मुझे अगले 20 साल तक पे करना है, अब आपके पास कितने पैसे थे कि आपने अगले 5 साल तक का इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आपको हर साल अगले 5 साल में पे करना था, आपने आज के आज कर दिया, ठीक है? तो पॉइंट इज कि अब जब 1 साल गुजरेगा तो वो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए था, आपने 5 साल का अभी से अमाउंट पूरा प्रीमियम आपने इंश्योरेंस पे कर दिया, ये 5 लाख आपने आने वाले 5 सालों में पे करने थे, पे आपने अभी से कर दिया, ठीक है? सो इट विल बी कॉल्ड योर प्रीपेड इंश्योरेंस. जैसे कि यहाँ नाम लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस, इट विल बी कॉल्ड योर प्रीपेड इंश्योरेंस. जैसे जैसे वो हर मंथ या हर ईयर गुजरता जाएगा वो आपका प्रीपेड कन्वर्ट होता जाएगा एक्सपेंस में, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्च शुरू हो चुका है, अब मार्च के महीने के आपको जो है, जब मार्च की 30 तारीख 30 तारीख आनी थी तब आपने पे करने थे 1 लाख रुपए, लेकिन आपने मार्च की फर्स्ट को कर दिए, तो पॉइंट इज मार्च की फर्स्ट को जब आपने पे किए तो इट विल बी कॉल्ड योर प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस. जैसे ही मार्च 30 आ जाएगी इट विल बी कन्वर्टेड इन योर एक्सपेंस कि चलो भाई हाँ अब फाइनली जाके मेरा वो एक्सपेंस कंसिडर होगा. क्यों? क्योंकि मार्च का पूरा महीना गुजर चुका, सही? तो ऐसे करंट एसेट्स को एक दफा और रिव्यू कर लें कि वो एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर जिनकी मुद्दत होती है और वो यूटिलाइज हो जाते हैं, और जितने भी अप्स एंड डाउन उनमें आते हैं वो ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड आते हैं, और वो एक अकाउंटिंग पीरियड में या तो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, सही है? तो दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स. ये मैंने उसकी टाइप्स भी बता दिया आपको. अच्छा देखें, इट इज वेरी कॉमन सेंस कि एक तो हो गया करंट एसेट, फिर दूसरी जो इसकी जो मेन कैटेगरी है एसेट्स की वो है फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग लाइफ एसेट्स, ठीक है? देखें सिंपल, जब करंट एसेट्स का मकसद था कि 1 साल से कम में यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है, तो फिक्स एसेट्स का मकसद क्या होगा? फिक्स एसेट्स का मकसद होगा कि वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल या 1 साल से ज्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं. ऑल एसेट्स विच बेनिफिट ऑब्टेन्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड और अप्स एंड डाउन्स डू नॉट अकर इन देम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड विच आर एक्वायर्ड विद द इंटेंशन नॉट टू रीसेल called fixed assets, ठीक है? अच्छा, ये हमें ज्यादा बेहतर समझ आएंगे क्लासिफिकेशन से. क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट पे जरा आते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस. देखें,
नाम से ही अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहने क्या चाह रहे हैं। देखिए, फिक्स्ड एसेट का मकसद ये है कि जिनसे आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेनिफिट ऑब्टेन कर सकते हैं। अगेन एग्जांपल दूंगा कि कोई भी आपने फॉर एग्जांपल कोई कंसल्टेंसी सर्विस आपने खोली है, अकाउंटेंसी सर्विस या ऑडिट सर्विस की आपने कोई जो है बिजनेस लॉन्च किया है, ठीक है। ऑब्वियसली उसकी कोई बिल्डिंग होगी। अब आपने लेट सपोज बजाय रेंट के आपने बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए की कोई बिल्डिंग थी, आपने वो बाय कर ली, ठीक है। तो नाउ इट इज योर एसेट, इट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट। अब आपको खुद भी मालूम है कि बिल्डिंग की लाइफ 1 साल होती है, नॉट पॉसिबल, 1 साल हो भी नहीं सकती। यानी कि बिल्डिंग को अक्सर तो बनने में साल लग जाता है, लेकिन उनकी जो लाइफ होती है वो मोर देन अ सेंचुरी भी हो सकती है। यानी कि सही है, जो भी हम स्ट्रक्चर, मैन मेड स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, बिल्डिंग हो गए, हमारे ब्रिजेस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो गया, तो वो तो बल्कि 1 साल क्या, वो तो ऑलमोस्ट कभी कभी तो जब अच्छी चीज होती है वो तो मोर देन अ सेंचुरी भी चल जाती है, ठीक है। तो पॉइंट इज, इट इज वेरी कॉमन सेंस कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, और वो किस तरह हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर हम घर का भी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या वो 1 साल में हम चेंज करते हैं? नहीं, हम उसको अक्सर जो है या तो 3 साल में, 5 साल में, यानी कि वो इतनी उनकी लाइफ होती है कि वो आराम से 3 से 5 साल के पीरियड तक चल सकते हैं। सिमिलरली बिजनेस में लिए जाएंगे तो उनका भी मकसद यही होगा, उनके उनसे जो है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ऑब्टेन किया जाए। सिमिलरली मशीनरी, कोई भी मशीनरी बिजनेस मंगवाता है तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ 1 साल नहीं होती, 1 साल से ज्यादा चलती है। वो कोई भी रोबोट हो गए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के या कुछ भी हो गए, तो वो 1 साल से ज्यादा ही चलेंगे, सही है। सिमिलरली लैंड, लैंड तो एक ऐसी चीज है कि भाई ये तो हमें सबको मालूम है कि सदियों तक भी अगर आपकी नस्लों में भी चलती रहे तो लैंड खत्म नहीं होती, इंसान जरूर खत्म हो जाते हैं एक पॉइंट पे, लेकिन लैंड अपनी जगह रहता है। जो जमीन हमारी होती है वो अपनी जगह पे रहती है, उसके ऑनर्स भले चेंज हो जाए, लैंड इटसेल्फ कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। बिल्डिंग की एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। इक्विपमेंट भाई देखें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है फोटोस्टेट मशीन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे पास कोई भी लैपटॉप होता है, कोई भी हम चीज़ जो पर्सनल बिजनेस के लिए यूज करते हैं, उसकी लाइफ 1 साल से कम नहीं होती, 1 साल से ज्यादा ही होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई फोटो स्टेट टॉप वाला है तो उसकी जो फोटो स्टेट मशीन है, क्या वो 1 साल में खत्म हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, 1 साल से ज्यादा चलेगी। पहले जमाने में फैक्स मशीन हुआ करती थी, वो चलती हैं। कंप्यूटर्स हमारे 1 साल से ज्यादा ही चलते हैं, मिनिमम आजकल तो 2-2 साल की भी वारंटीज आ रही है कंप्यूटर्स में, ठीक है। कैलकुलेटर जो आप कह लें, सही। सिमिलरली व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, सही है, वही 1 साल, बल्कि जो कार्स की जो मिनिमम वारंटी है वो 3 साल की होती है या 1 लाख किलोमीटर्स की होती है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि दे आर ऑल्सो जो लॉन्ग लाइफ, सही। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल कोई आपका जूस का बिजनेस है, तो जूसर, ब्लेंडर्स आप कह लें, स्लाइसर्स, डाइसर्स, नाइसर्स वगैरह, तो पॉइंट इज दे आर ऑल्सो कैटेगराइज एज फिक्स्ड एसेट्स। देखें, एसेट्स को यहाँ मैं समराइज कर दूँ अगेन। एसेट्स क्या थे? वो तमाम इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जिनसे ऑर्गेनाइज जिनको ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है और उनसे बेनिफिट लेती है। अब वो बेनिफिट देखें कैटेगराइज ऐसे किया जा सकता है, या तो करंट एसेट का मकसद होगा कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट, और फिक्स एसेट का मकसद होगा लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सपेंसेस। अच्छा देखें, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखें, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द रेवेन्यू। देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात है,